ज्यादा बाबा नहीं करो डेंट पकड़े गए ऊपर से बेकसूर बनते हो नंबर चेक करिए सर ले चलो और मैं खान बिठा को जीप में। जमील फखरी को पुलिस की वर्दी में जाफर हुसैन के नाम से किरदार निभाते हुए देखने वाले कभी फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान टेलीविजन की लाजवाब सीरीज अंधेरा उजाला का ये मकबूल किरदार हमारे जहनों पर आज भी नक्श है। 70 की दहाई में अदाकारी का आगाज करने वाले जमील फखरी को अतर शाह खान ने अंदर आना मना है नामी स्टेज ड्रामे में मुतारफ कराया था, जिसके बाद उन्होंने स्टेज और फिर टीवी पर मुतअद्दिद ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ताहम उनकी मुलगी वजह शोहरत पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार था और इसी रूप में जमील फखरी ने मदाहों के दिलों में मुकाम बनाया। ये उस दौर की बात है जब छोटी स्क्रीन पाकिस्तान भर में नाजरीन की तफरी का वाहद जरिया होती थी और अंधेरा उजाला समाजी मसाइल और जुर्म सजा पर एक ऐसी ड्रामा सीरीज थी जो नशर होता तो गोया हर सड़क और हर गली सुनसान हो जाती। नाजरीन टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे। इस ड्रामे की दीगर मरकजी किरदारों में मंझे हुए अदाकार कवि खान और इरफान खोसट भी शामिल थे। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में जमील फखरी का मखसूस लहजा इस कदर मकबूल था के लोग उनके अंदाज की नकल करते और उनके अदा करदा मुकालमे भी सबकी जुबान पर होते थे। जमील फखरी 1946 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए थे। अपनी बुनियादी तालीम ख़त्म करने के बाद उन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में नौकरी शुरू की, फिर उसके बाद वापडा ऑडिटोरियम और अल हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में थिएटर करना शुरू किया और फिर टीवी पर अदाकारों और हदायतकारों के साथ काम करना शुरू किया। जमील फखरी ने उस वक्त के सारे नामवर टीवी अदाकारों के साथ काम किया जिनमें इरफान खोसट, खयाम सरहदी, फिरदौस जमाल, मसूद अख्तर, कमाल अहमद रिजवी और नन्ना शामिल हैं। उन्होंने 1980 के दिहाई में कुछ टीवी प्रोड्यूसर्स और हदायतकारों के साथ भी काम किया जिनमें यावर हयात खान, राशिद डार, कमाल अहमद रिजवी और बहुत सारे दूसरे प्रोड्यूसर्स शामिल हैं। वर्गी बख्ताली नहीं ना बख्ताली होंगी तो साढ़े देख भी सोने की कलम लिखवा के आती। जमील फखरी ने 30 से जायद पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने हर किरदार को बाखूबी निभाया और इसका गहरा तासुर फिल्म बीनों पर छोड़ा। अदाकार जमील फखरी ने कई स्टेज शोज में भी अदाकारी के जौहर दिखाए लेकिन फिर खुद को पीटीवी के ड्रामों और रेडियो तक महदूद कर लिया था। दलदल, ताने बाने, वारिस, बंधन, एक मोहब्बत, 100 अफसाने वो ड्रामे थे जिनमें जमील फखरी ने बेमिसाल अदाकारी की। अदाकार जमील फखरी ज़ियाबतस और ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उनकी वफात से चंद माह कबल अमरीका में उनके बड़े बेटे को कत्ल कर दिया गया था जिसका उन्हें शदीद सदमा पहुंचा था। वो अपने बेटे की अलमनाक मौत के बाद ज़्यादा देर खामोश रहने लगे थे। जमील फखरी के अहले खाना के मुताबिक उनके इंतकाल की वजह उनके बेटे का गम था। जमील फखरी के अहले खाना को 7 दिसंबर 2010 को पहली बार मालूम हुआ कि उनके बेटे अली अयाज फखरी को अगवा किया गया था जो अमेरिका में था जहां वो रह रहा था। उसके बेटे के बहिमाना कत्ल के बारे में तफसीलात ये सामने आई कि उसे टुकड़ों में काट कर जला दिया गया और फिर उसे आग लगा दी गई। इन मालूमात ने अदाकार जमील फखरी को काफ़ी तकलीफ दी और कई महीनों तक उनकी सेहत पर इसका असर रहा। आखिरकार 31 मई 2011 को फालिज का अटैक हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो कई दिन तक कोमा में रहे और फिर 9 जून 2011 को लाहौर पाकिस्तान में वफात पा गए। अपने पीछे 3 दूसरे बेटे और एक बेवा छोड़ी। यूं पीटीवी ने एक अजीम फनकार को खो दिया था।
बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। बस तुसी अपनी सारी नौकरी बड़ी ईमानदारी ते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।